दुनिया का सबसे बेस्ट कपल कैसा दिखता है? ऐसा, ऐसा या ऐसा? एक्चुअली कुछ ऐसा। दिस इज द लव स्टोरी ऑफ नारायण एंड सुधा मूर्ति। उनके एक दूसरे के प्रति प्यार के साथ साथ अपने काम और अपने देश के प्रति प्यार की भी लव स्टोरी। कहते हैं रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं और धरती पर आकर पूरे होते हैं। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति आर सो इन सिंक कि उनका बर्थडे भी एक दिन आगे पीछे है। इस कपल की अमेजिंग केमिस्ट्री ने ही भारत को एक अनमोल रत्न दिया है, इंफोसिस। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ 10,000 रुपए से स्टार्ट हुई, आज 90 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा की वैल्यू रखती है। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ 10,000 रुपए से स्टार्ट हुई और आज 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज रखती है। 10,000 रुपए से स्टार्ट हुई ये कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं, नैसडैक यानी US के स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट होने वाली भारत की पहली टेक कंपनी। और ये पॉसिबल हुआ नारायण मूर्ति के विजन और सुधा मूर्ति के विश्वास की वजह से। आज हम उनके इस अमेजिंग पार्टनरशिप के 3 सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो पूरे भारत के लिए कपल गोल से कम नहीं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के इन रियल हीरोज की कहानी आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज नारायण मूर्ति एक बिलियनर है, एक सक्सेसफुल इंसान है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब नारायण मूर्ति एक फेलियर थे। इंफोसिस से पहले उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन वो कंपनी कुछ चल नहीं पाई, फेल हो गई। तब अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्हें अपनी एम्बिशन साइड में रखकर एक जॉब करना पड़ा। ये सब होने के बावजूद कुछ ही साल उन्होंने फिर से अपनी जॉब छोड़ दी और अपने 6 दोस्तों के साथ इंफोसिस स्टार्ट की। ऐसे सिचुएशन में सोचिए कि उनकी वाइफ सुधा मूर्ति ने क्या किया होगा, उन्हें कोसा होगा, उनकी कैपेबिलिटीज पर डाउट किया होगा, राइट? बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपने हस्बैंड पर विश्वास रखा और उन्हें सपोर्ट किया। एक इवेंट में नारायण मूर्ति सर को ऑडियंस में से किसी ने पूछा कि यंग दिनों में जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी तो आपने इंफोसिस जैसी कंपनी स्टार्ट की, ये रिस्क आप कैसे ले पाए? तब सुधा जी ने कहा, या ही हैड अ वर्किंग वाइफ, सो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। सुधा मूर्ति वाज डूइंग अ जॉब, टेकिंग केयर ऑफ देयर सन एंड फंडिंग इंफोसिस विद हर ओन मनी। सुधा जी शादी से पहले एक एक पैसे का हिसाब रखती। जब वो होटल में जाते थे तब वो 50-50 पे करते थे। जब नारायण सर के पास पे करने के लिए पैसे नहीं होते थे तब सुधा जी पे करती और अपने नोटबुक में एक नोट लिखती। शादी का खर्चा भी उन्होंने 50-50 उठाया। लोग मानते हैं कि सिर्फ एक मेल, एक पुरुष, एक आदमी ही घर का ब्रेड विनर हो सकता है, लेकिन इस कपल ने प्रूव किया है कि जेंडर रोल्स भी स्विच हो सकते हैं। और इस ईगो को साइड में रखना एक बिलियन डॉलर आइडिया है। Our second story is about money. 1981 में जब इंफोसिस की शुरुआत हुई तब भारत में लाइसेंस राज चलता था। बिजनेस करना आसान नहीं था। कंप्यूटर तो छोड़ो, एक फोन लेने के लिए भी 1 साल रुकना पड़ता था। इंफोसिस थी तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी, लेकिन पहले 2 साल बिना किसी कंप्यूटर के ऑपरेट कर रही थी। जमाना ऐसा था कि कंप्यूटर इंपोर्ट होने के लिए भी इतना टाइम लगता था। पहले 8 सालों के लिए इंफोसिस ने प्रॉफिट का 1 पैसा नहीं देखा। इसकी वजह से 7 पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स कंपनी छोड़कर चले गए। लेकिन मूर्ति सर का विजन क्लियर था। इफ यू आर आफ्टर मनी, देन मनी रन्स अवे फ्रॉम यू, बट इफ यू रन फॉर अ कॉज व्हिच इज बिगर देन मनी, देन मनी फॉलोज यू। वो जानते थे कि भारत के IT सेक्टर में पोटेंशियल, हमारे इंजीनियर्स दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स हैं और हमारे प्राइसेस अनबीटेबल, तो सक्सेस इनएविटेबल। जिन एम्प्लॉइज को वो पे नहीं कर सकते थे उन्हें ESOPs यानी एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान के जरिए पे किया। बेसिकली उन्हें भी कंपनी के एक छोटे हिस्से का मालिक बनाया, जिनसे उनकी लॉयल्टी बरकरार रहे और वो भी जी जान से काम करे। ही शोड देम हिज विजन एंड मेड देम अ पार्ट ऑफ हिज कॉज। इंफोसिस ESOP देने वाली पहली इंडियन कंपनी थी। उन्होंने 18,000 एम्प्लॉइज को ESOPs ऑफर किए और उनमें से हजारों लोगों को मिलियनेयर बनाया। कुछ लोग सोचते होंगे कि मिडिल क्लास से स्टार्ट करके एक बिलियनेयर बनने तक का सफर तय करने के बाद इनकी लाइफस्टाइल कितनी लैविश होगी। नहीं, देन लेट मी टेल यू, आज भी सुधा मूर्ति मोस्ट ऑफ द टाइम्स इकोनॉमी क्लास से फ्लाई करती, क्योंकि पैसे के पीछे नहीं, एक पर्पस के पीछे भागना एक बिलियन डॉलर आइडिया है। हमारी लास्ट स्टोरी है पार्टनरशिप के बारे में। क्रिकेट में जब एक बैट्समैन स्ट्राइकर्स एंड पर होता है तो दूसरा बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर होता है। भागते दोनों है लेकिन रन सिर्फ एक को ही मिलता है। ऐसे सिचुएशन में जब नॉन स्ट्राइकर्स एंड वाले बैट्समैन को पता होता है कि रन्स उसे नहीं मिलने वाले, तब अगर वो भागना ही बंद कर दे तो वो अपना ईगो तो बचा लेगा लेकिन मैच हार जाएगा। एक सक्सेसफुल मैरिज इसी पार्टनरशिप की तरह, जहां दोनों पार्टनर्स अपने अपने रोल को पहचानते हैं। सुधा मूर्ति इज एन एक्सट्रोवर्ट, नारायण मूर्ति इज एन इंट्रोवर्ट। सुधा मूर्ति इज एक्सेलेंट विद मैनेजिंग मनी, नारायण मूर्ति इज अ विजनरी। सुधा मूर्ति कैन टॉक, शी कैन राइट, शी कैन टीच, एंड नारायण मूर्ति कैन लीड। उनकी इस सक्सेसफुल पार्टनरशिप का राज यही है कि उनके ये डिफरेंसेस उन्हें कमजोर नहीं बनाते,
वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी ताकत बनते हैं। आज हम सुधा मैम को एक बेस्ट सेलिंग ऑथर के नाम से जानते हैं, बट नॉट मेनी ऑफ अस नो दैट शी स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश ओनली आफ्टर शी टर्न 50। वो कनाडा मीडियम में सीखी थी और कनाडा में ही लिखती थी। जब उन्होंने इंग्लिश में लिखने की रिस्क ली, तब नारायण मूर्ति उनकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने, बिकॉज लैंग्वेज इज द व्हीकल एंड द स्टोरी इज द फ्यूल। वो कहती है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग मैन। सुधा मूर्ति ने पूरी जिंदगी नारायण मूर्ति का साथ दिया। ऑफिस के बाद न जाने कितनी फ्रस्ट्रेटिंग रातों में उनका हौसला बढ़ाया। उन दोनों ने एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा और एक दूसरे को स्पेस दी, और अपनी इस पार्टनरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 50-50 निभाकर अकॉम्प्लिशमेंट्स की सेंचुरी मार दी। और एक आइडियल पार्टनरशिप ऐसी ही तो होती है, जहां ईगो जीरो होता है, काम 50-50 और ट्रस्ट 100। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज क्यों हम किसी फिक्शनल लव स्टोरी में कपल गोल्स ढूंढते हैं, जबकि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल लव स्टोरी हमारी आंखों के सामने है, जिसकी शुरुआत दो लोगों से हुई। लेकिन इस लव स्टोरी ने लाखों को गरीबी से ऊपर उठाया, अपने बुक्स के जरिए करोड़ों बच्चों को पढ़ना सिखाया और एक बिलियन आबादी के इस देश को एटलीस्ट 1% बेटर बनाया। क्योंकि प्यार में लोग गिरते नहीं, अपनी औकात से ऊपर उठते हैं। और प्यार की ये लवली डेफिनेशन आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। Hey esteem, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।